अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग सुपर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। वेलकम 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 जी। पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा है एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट देन व्हाई गो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड जाएं पहले सब्सक्राइब करके आए एंड देन ये वाली वीडियो देखें। हो गया सब्सक्राइब, डू लाइक माई ऑल ऑफ द वीडियोज एंड डू कॉमेंट ऑन माई एवरी वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो टुडे इज अ मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो, द मोस्ट आस्क्ड ट्यूटोरियल्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट टुडे इज आई एम डूइंग समथिंग, लाइक कुछ सोचा हुआ नहीं है कि कौन सा मेकअप लुक क्रिएट करना है, बट समथिंग शिमरी, नॉट ग्लिटरी, समथिंग शिमरी। सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड फर्स्ट आई एम गोना यूज इज हुदा ब्यूटी का प्राइमर। फर्स्ट आई एम गोना यूज हुदा ब्यूटी का प्राइमर, ठीक है। कोई टाइम वाइम की फिक्र नहीं करना, ठीक है। खत्म हो गया ये थोड़ा ना, सो इसलिए बस इतना सा हम इसको लगाएंगे, मतलब अच्छा खासा नहीं इसको। हाँ, अच्छे से अपने फेस पे है। नाउ जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स बिफोर इसको ड्राई होने दें और वेट करें, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट डूइंग अ मेकअप। अच्छा, मेरे नाक पे ना दाना हो गया है, फेस वेस पे भी हो रहे हैं, मेरे रोज मेकअप हो रहा है तो इसलिए, तो इग्नोर माई अजीब सा फेस। अच्छा, मुझे बालों को समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह रखूँ, तो जैसा मुझे मज़ा आएगा मैं वैसे ही रखूँगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स गेट इनटू इट। मेकअप में हम चलते हैं मेकअप की तरफ, ठीक है जी। सबसे पहले मैं लगाने लगी हुई हूँ ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी अपने डार्क एरियाज में, ठीक है। सो आई नीड अ मिरर, सॉरी। अच्छा, ये मेकअप जो है ना हर एज के लोग कर सकते हैं। सो मेरे पिंपल्स बहुत हो रहे हैं तो आई वांट टू हाइड दैट, उसके लिए मैंने ये लगाना पड़ रहा है। ये लग गया हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर, ठीक है। इसका करेक्टर ढीला है तो हम इसको अब अपनी फिंगर टिप से और इसको ब्लेंड कर लेंगे। सोना आजकल हो नहीं रहा है तो इसलिए जरूरी है आंखों के नीचे लगाना। अच्छा जी, तो कलर करेक्टर मैंने फिक्स कर लिया है, ऑफ कैमरा गया है, बिकॉज ऑन कैमरा करती ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा कलर करेक्टर फिक्स। अब हम लगाने लगे हैं कंसीलर। वेयर इज माई कंसीलर? हम लगाने लगे हैं मिस रोज का कंसीलर इन शेड बेज 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको जिस तरह लगा रही हूँ ना मैं, उसी तरह आप लोगों ने भी लगाना है अगर चाहते हैं कि आईज सही बने। तो जस्ट लाइक दिस शुरू में और यहाँ एंड में, बीच में नहीं लगाना, यहाँ शुरू में और यहाँ
एंड में। अब जहां जहां कलर करेक्टर लगाया वहां वहां ही कंसीलर लगा लें। अगर कलर करेक्टर नहीं है तो कंसीलर भी यहां यहां ही लगेगा, यहां जहां मैं बोल रही हूँ, एक तो दानों पे, पिगमेंटेशन पे, और जो डार्क एरिया है वहां। Like this. अच्छा, अब जो है और यहां लगाना है आईब्रो के नीचे यूं करके, और यहां आईब्रो के ऊपर like this. अच्छा, कंसीलर से पहले जो अपनी आईब्रो बनाता है वो बना ले, क्योंकि मैं अपनी आईब्रोज नहीं बनाती, ठीक है, पेंसिल वेंसिल या शेड वेड से, तो आप लोग को बनानी है तो आप लोग बना लें, मैं अपनी आईब्रो नहीं बनाती। अच्छा, अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी अगर कोई मेस क्रिएट हो रहा हो। अब हम इसको मेल्ट वो करेंगे ब्लेंड, ब्यूटी ब्लेंडर से या फिंगर टिप्स आप ब्लेंड कर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग वीडियो दे रही हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपने ले लेना है एक ब्रश, ब्रश नहीं है तो इसी ब्लेंडर से करके बता दूंगी। इसको डाउनवर्ड्स करना है, आंखों की डाउनवर्ड्स, ठीक है, यूं। ताकि आपकी आईज भी कंसील हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरफ, ये इस तरफ करना है, तब क्या हो कि आपका आईब्रो का अपर एरिया भी कवर हो जाए, जस्ट लाइक दिस। कंसीलर बार हमारा हो गया है, कर लेंगे बेकिंग। आई मेकअप करने से पहले बेकिंग कर लें आप लोग। अब हम लेने लगे हैं ये आईब्रो के लिए कि हम आईब्रो सेट कर लें बस थोड़ी थोड़ी। सही, अब मैं जो हूँ इसमें से शेड, लुक एट दिस, अ बिग पैलेट, ठीक है। इसमें से जो मैं शेड लेने लगी हूँ वो है दिस, इसका शेड का नाम है इरोटिक शेड, इसको मैं लेने लगी हूँ, ठीक है। और इसको जो है मैं वो यहां से, वेयर इज माय शीशा, ठीक है, इसको मैं यहां से अंदर की तरफ ब्लेंड करने लगी, सही है, अंदर की तरफ। दोनों आईज पे हमने बेस कलर लगा लिया है अपना, ठीक है। अब जो है इसका जो है मैं लगाने वाली हूँ समथिंग लाइक शिमरी, तो उसके लिए मैं लूंगी दिस ऑरेंज शेड, बिकॉज ऑरेंज हमने इसका बेस बनाया है, लाइट ऑरेंज। तो अब मैं इसका लूंगी कलर क्लाविडा, पता नहीं क्या है, ये वाला कलर लूंगी, ठीक है। तो इसको जो है जस्ट अपनी फिंगर टिप से मैं लूंगी, मैंने अपनी फिंगर टिप से ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसको करने लगी हूँ आईज पे, फ्रॉम द सेंटर, यहां से ऐसे, यूं करते रहे खुद लग जाएगा। लुक हाउ क्लासी इट इज लुकिंग ना, ऑलराइट। अब मैं लेने वाली हूँ वेयर इट इज, ये रहा दिस ब्रश। अब इसकी हेल्प से मैं वो शिमर इसमें लूंगी और इसी में लगाऊंगी, बिकॉज मुझे पूरी आई में नहीं लगाना है, इसलिए मैंने शुरू में
ब्रश यूज नहीं किया, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया हमारा शिमर, ये हमारा शिमर लग गया, ठीक है। मैं जरा कैमरा ये हमारा शिमर लग गया, दूसरी आंखों पे भी लगाती हूँ, फिर आती हूँ। दूसरी आंख पे भी ये लग गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये शिमरी फंकी लग रहा होगा, बट एंड में इट विल लुक सो ग्रेट, ठीक है। अब मैं जो लगाने वाली हूँ वो है ब्रशेस यार मुझे ना थोड़े कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ ऑरेंज कलर, सो आई एम गोना टेक दिस ब्रश, ठीक है। ये वाला ब्रश लूंगी, जोवा के ब्रशेस यूज कर रही हूँ, और ये मैं सॉसी कलर लूंगी, ये सॉसी ऑरेंज कलर जो है ना, सॉस, हम सॉस बनाएंगे जरा सा। तो मैंने सॉसी कलर लिया, तो मैंने जरा सा यूं छड़का। अब मैं लगाऊंगी यहाँ टू गिव इट अ नाइस शेड। इट इज लिटरली अ इजी मेकअप लुक, बस ब्लेंडिंग वगैरह में ना थोड़ी सी और सही शेड्स पिक करने में अगर बंदा अच्छा हो तो मेकअप अच्छा हो जाता है। द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो के डिटेलिंग में मेकअप पता है, तो मुझे इतना आता नहीं है, बट जितना भी आता है, जो भी सीखा है वो सीखा है नेट से या हुदा माई कज़न उससे। तो ये देखिए, अब हम ठीक है, अब हम इसको अंदर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे। ये हो गया ब्लेंड, हम ऊपर की तरफ यूं कर लेंगे, ताकि फिकर ना करें आंखों के नीचे अगर गिर जाए हमने बेकिंग की। गिव इट अ लुक, मतलब इतना सिंपल और इतना क्रेजी लुक। आई लव दिस लुक, लेट मी जस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा, इधर साइड की फिक्र ना करें आप, अंडर आई की फिक्र करें, ठीक है। अब अंडर आई के लिए हमने लेना है एक ब्रश, फ्लफी सा ब्रश, ठीक है। फ्लफी ब्रश, वेयर आर यू, वेयर इट इज, ये ब्रश लेना है। इससे हमने थोड़ा सा ये सॉसी शेड लेना है, वही वाला सॉसी शेड, और थोड़ा सा जो सबसे पहले लिया था इरोटिक बेस बनाने के लिए, ये दो शेड्स लेने हैं ऐसे। अब इसको अंडर आई लगाना है यूं, यू लगा के टेक अ ब्रश। अब इसको ब्लेंड, इसको एंड तक जोड़ दें, यहां तक अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें, ताकि इट विल लो, इट विल गिव ताकि ऊपर और नीचे दोनों का सेम लगे। अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, यू गाइस विल लव इट लिटरली। थोड़े दिन में मेरे मेकअप के और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो मजा आएगा। मैंने ऑर्डर किए हैं बट आ जाएंगे तो इंशाल्लाह। और यस, मेरी बर्थडे आने वाली है यार, लुक
थोड़ा सा आई थिंक मुझे नीड है। इतना सुकून वाला लुक लग रहा है ना मुझे ये इस वक्त के, मतलब आई कैन नॉट। अब मैं लगाऊंगी लाइनर तो ये लग गया हमारा अंडर आई। अब हम करने वाले, अब हम लेंगे दिस ब्रश और हाइलाइटर। बैलेंस हो गया। अब आप लें एक मस्कारा एस्टी लॉडर का, ये मस्कारा है ठीक है, ऐसे मेरी बहन का है, मेरा नहीं। बिकॉज मुझे लैशेज लगानी नहीं आती और ना मुझे लैशेज को इतनी खास अच्छी लगती हैं, तो आई नॉट गो फॉर लैशेज। आप लोग आती हैं आप लगा लें। मेरे फ्राइज भी ठंडे हो रहे हैं तो विल गेट टू इट फास्ट ठीक है। अब जो है सबसे पहला जो काम हमने करना है वो है हमें अपने आंखों के नीचे से ये बेकिंग पाउडर हटाना है। ये हट गया हमारा बेकिंग पाउडर। अब हम करने लगे हैं अपनी बेस तैयार करने लगे। तो बेस के लिए हम लेंगे नॉर्ड ब्लैक का फाउंडेशन। बिल्कुल लिल बिल लूंगी मैं क्योंकि ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा लूंगी और ये मैं कर लूंगी ब्लेंड ब्यूटीफाई बाय आमना के फाउंडेशन ब्रश से ठीक है। तो फेस पाउडर, ये है कलर स्टूडियो का फेस पाउडर विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ठीक है ये हो गया। अब हम लगाएंगे कॉन्टोर। अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा बिकॉज पूरा मेकअप नहीं हुआ है, तो लेट इट बी, पूरा होने दें, देन विल डू फर्दर थिंग्स। आई थिंक ये वाला जो चीज है ना, ये मुझे थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ काली लग रही, तो आई एम गोना गो फॉर अ कंसीलर।
बिकॉज शायद मस्कारा नीचे आ गया. विल फिक्स इट. Fixed it. अच्छा नेक्स्ट जो है वो लगेगा हमारे कॉन्टोर कॉन्टोर ब्लश. हाँ ये कॉन्टोर ब्रश कौन गया मेरा. टेक क्रिस्टीन का फेस कॉन्टोर एंड विल डू ठीक है. And then jawline. ये हो गया हमारा कॉन्टोर. कॉन्टोर कॉन्टोर भी हो गया हमारा. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लशन. अब हम लगाएंगे ये एस्टी लॉडर का ब्लशन पिंक वाला cuz I love it. हाइलाइटर को आप लें ब्रश में और भर के लगाएं जितना चाहते हैं. कौन रुकता है दिखती हूँ मैं. यहाँ लगाएं किसी से ना डरें अपने लिए करें. और हियर यू गो. बट लिपस्टिक कौन लगाएगा. हाँ कौन लगाएगा. अच्छा लिपस्टिक जो है ना मैं सोच रही हूँ कि हम लगाएं. लिपस्टिक हम लगाएंगे ये डिगैनिश कॉस्मेटिक वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस लॉन्ग लास्ट 24 आवर शेड 13. ये ना जरा सी मैट है तो इनको हम फिक्स करेंगे लिप. This and then take a
ब्लशन ले लें, कॉन्टोर ले लें, कुछ भी ले लें यूं करके, और इससे जो मैट लिपस्टिक होती है ना वो चिपकती नहीं है। तो यस, अब हम जो है मैं करने लगी हूँ, मेरे पास एक ब्रश है ये वाला जिसको मैं किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ, एट द एंड ऑफ द मेकअप करती हूँ। कुछ भी ज़्यादा हो गया हो तो मैं उससे उसको फिक्स कर लेती हूँ। एक बार एंड में चेक कर लूँ ना कि मतलब, आई एम रियली सॉरी गाइज अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट मुझे पूरा प्रॉपर मेकअप करना था ताकि सबको अच्छा लगे। अच्छा शर्ट मैंने ये वाली पहनी हुई है अपनी, ये वाली। लेट मी जस्ट, ओ क्या हो गया, ठीक है जी। तो अब मैं लगाने लगी हूँ मिस रोज का मेकअप फिक्सर, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी ठीक है। ओ माय गॉड, तो ये जो अब मैं लगाने लगी हूँ मेकअप फिक्सर मिस रोज का, पीछे से यूं करके आंखें बंद करके, बस इतना सा हम लगाएंगे इसको, एंड देन विल वेट जब तक ये सूख जाए, एंड देन यस गाइस, सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग फॉर आवर ट्यूटोरियल। आई विल डू दिस ट्यूटोरियल एज वेल समडे, जब तक मेरे पास ये वाला शेड आ जाए I'll do it as well, but I'm think a video is not doing a justice with this makeup look. लेकिन जो मैं मिरर में देख रही हूँ ना वो फिट लग रहा है। So if you like this video, make sure to give a big thumbs up and do subscribe to my YouTube channel if you haven't subscribed to my YouTube channel and press the bell icon to never miss any updates. That's it for the video. Allah Hafiz.